कहते हैं प्रथम सलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघटा चौथी कुष्मांडा पांचवी स्कंद माता छठी कात्यानी सातवीं कालरात्रि आठवीं महागौरी नवी सिद्धिदात्री देवी की नौ मूर्तियां नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलते समेरन में शत्रुओं से घिरा हुआ विषम संकट में फंसा हुआ जो मनुष्य दुर्गा का नाम का स्मरण करे उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। प्रेम से बोले दुर्गा माता की जय। जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप का यह विहंगम दृश्य। मंडा आहार के नाम से जाना जाता है यह स्थान, जहां पर छठ लोक आस्था का महापर्व छठ और हिंदू सनातन का मुख्य पर्व दुर्गा पूजा, जो यहां पर माता का विसर्जन होता है। काफी तादाद में श्रद्धालुगण यहां पर आए हुए हैं। आइए श्रद्धालुगण से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इस वर्ष पूजा कैसा रहा और कैसे लोगों ने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। देखिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और आकर के यहाँ पर माता से मन्नतें मांगते हैं। देखिए सूरज कुमार एक है, अच्छा लड़का है, कैसा लगा इस वर्ष दुर्गा पूजा? बहुत अच्छा था इस बार, अच्छे तरीके से मना। हाँ। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिये पंडित जी थोड़ा सा इधर बताइएगा, कैसा रहा इस वर्ष दुर्गा पूजा आप लोगों का? बहुत अच्छा रहा, सब शांति पूर्वक से अभी हो रहा है और अगले वर्ष और भी पड़ाव में विसर्जन है, दुर्गा पूजा समाप्ति हुई है। बहुत ही शांति रूप से हुआ है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है और अगले वर्ष और भी अच्छे बड़े धूमधाम से होगा, ऐसा हम लोग अपेक्षा रखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, पंडित जी का कहना है कि अगले वर्ष और अच्छे से हो, बेहतर तरीके से हो, इसकी अपेक्षा रखते है। ये काफी तादाद में लोगों का यहाँ पर भीड़ जमा हुआ है। देखिये इधर भाजपा के वयोवृद्ध नेता यहाँ पर राम रतन राम जी मौजूद हैं। आइए राम रतन राम जी से पूछते हैं, इस वर्ष पूजा चलने दीजिए, हम लोग इधर बात करते हैं, माँ का ही बात करते हैं, कैसा रहा इस वर्ष दुर्गा पूजा? राम रतन जी बहुत बढ़िया रहा है और यहाँ शांतिपूर्ण बेंगाबाद में हुआ है। हाँ। और ये हमारा बहुत ही सौभाग्य की यहाँ की जनता तन मन धन से यहाँ माता की विदाई के लिए भी आए हुए है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन पूरा पुलिस प्रशासन पूजा समिति सारे लोग धन्यवाद के पात्र है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था से बेंगाबाद का पूजा संपन्न हुआ। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरजू भैया आप बताइएगा कैसा रहा गुठिया तरफ? बहुत अच्छा रहा, सबसे पहले आपको और आपके डीएनडी चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर प्रोग्राम में आप सम्मिलित हो जाते हैं और आपके माध्यम से सारे आदमी जान जाते हैं। यहाँ पूजा समिति बहुत शांतिपूर्ण रहा और पूजा कमेटी का भी कार्य साधारणीय रहा और प्रशासन भी सहयोग बढ़िया से, प्रशासन का भी सहयोग बना रहा। देख पा रहे हैं वहाँ की अंतिम विदाई, बिल्कुल अंतिम, मतलब यूँ कहें कि अंतिम विदाई नम आंखों से दी जा रही। कैसा रहा पंडित जी इस वर्ष पूजा आप लोगों का? बहुत शांति वैसे हुआ। हाँ। अच्छा रहा, पुलिस और प्रशासन भी अच्छे कार्य किए जिससे माँ की विदाई बहुत अच्छी ढंग से हुआ। हाँ। कहीं से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देख पा रहे हैं माँ की पूजा आराधना और अंतिम, मतलब यूँ कहें कि आरती और विसर्जन के लिए पूरी तरह तैयार में जुट चुके हैं यहाँ के सभी लोग और लोग आनंद हैं, प्रफुल्लित में हैं, लेकिन नम आंखों से माँ को विदाई देने के लिए जा रहे हैं, सब तैयारी में हैं पूरी तरह। देखिए अभी महामूर्ति विसर्जन करेंगे इसी तालाब मंडाहर में यहाँ पर, और मंडाहर में करेंगे। आइए और लोगों से आप लोगों को हम बात करवाते हैं, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं श्रद्धालुगण किस प्रकार पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था यहाँ दुरुस्त बताई जा रही है। महिला श्रद्धालुओं का काफी तादाद में लोगों का यहाँ पर भीड़ जमावड़ा है, लोग जमे हुए हैं। देखिए आशीष जी हैं और दीपक जी हैं, हम लोग बात करेंगे कैसा इस वर्ष रहा दुर्गा पूजा आप लोगों का? बहुत अच्छा रहा, बहुत धूमधाम से और सभी आपसी भाईचारे का परिचय देते हुए सदा की भांति, हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही शांति पूर्वक पूजा सम्पन्न हुई, जिसमें यहाँ के आमजनों और पूजा समिति का अपार सहयोग रहा, जो अपने विवेक से इस पूजा को हर साल की भांति इस साल भी सफल पूर्वक संचालित किया।
आप बताइएगा कहाँ आजकल आप बाहर रह रहे हैं, बेंगाबाद दुर्गा पूजा मनाने के लिए आए हैं, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा अपने घर में इतने सालों बाद दुर्गा पूजा देखना, अलग ही अनुभव रहा। क्योंकि मैं एक्चुअली 10 साल से बाहर हूँ तो अपने घर परिवार से कट ही गया था, तो इस बार आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भीड़ देख रहे कितना जोर से लोगों में, मतलब आके बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे। दुर्गा पूजा में मिलना सबसे हो गया, सबसे मिलना जुलना हो गया। देख पा रहे हैं दुर्गा पूजा एक ऐसा पर्व है जहाँ पर लोगों का मिलना व्यवस्था रहता है। देखिए पुलिस जो महिला पुलिस भी यहाँ व्यवस्था है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? शांतिपूर्ण हो रही है ना पूजा पाठ? पूरे 9 दिन तक आप लोग भी लगे रहे यहाँ पर, कहीं से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, महिलाएं पूजा पाठ कर ली आराम से। देख पा रहे हैं महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर रेडी है ताकि महिलाओं को दिक्कत नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, पूरी व्यवस्था दुरुस्त के साथ। उधर पुलिस प्रशासन देखिए उधर लगे हुए, आइए उधर भी मिलवाते हैं आपको पुलिस प्रशासन से। आइएगा सर थोड़ा सा इधर आइएगा, देखिए पुलिस प्रशासन बेंगाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, इसके लिए पूरी तरह तटस्थ और मुस्तैद दिख रहे हैं लगातार 9 दिनों से। कैसा रहा सर पूजा इस बार? सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पब्लिक का भी पूरा सहयोग मिला, बहुत अच्छा रहा। पब्लिक को अभी प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, पूरा पूरा बहुत बढ़िया। बेंगाबाद क्षेत्र का पब्लिक भी बहुत अच्छा है, बहुत सहयोग किया लोग। कैसा रहा दुर्गा पूजा मैम, बताइएगा थोड़ा सा आप लोग दुर्गा पूजा इस बार? बहुत ही अच्छा रहा दुर्गा पूजा, और यहाँ पे माँ की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है, हम लोग आज यहाँ देखने आए। चलिए चलिए देखिए गुरु जी आप बताइएगा कैसा रहा दुर्गा पूजा? हर साल की बात थी, अच्छा ही रहा, सबसे बेस्ट रहा, सबसे बेस्ट रहा, सबसे बेस्ट रहा। चलिए आप और लोगों से यहाँ के पूजा समिति के लोगों से भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। क्या भगत जी कैसा रहा दुर्गा पूजा? बहुत बढ़िया रहा दुर्गा पूजा, यहाँ का इस साल बहुत अच्छा से रहा, धूमधाम से मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया। तो देख पा रहे हैं कह रहे हैं कि धूमधाम से मनाया गया है और पूरे तंदुरुस्ती के साथ लोगों का यहाँ पर भीड़ जमा रहा और लोग एकजुटता का परिचय दिया है, लोगों ने शांति का परिचय दिया है, सद्भावना का परिचय दिया है, साथ ही साथ लोगों ने हिंदुत्व एकता का भी एक मिसाल कायम किया है। यहाँ के पूजा समिति के लोग भी यहाँ पर मौजूद है काफी तादाद में, लोगों से हम लोग बात करेंगे। कैसे करेंगे बात, थोड़ा उधर जाना पड़ेगा, थोड़ा जाने दीजिएगा भैया किधर से जाए। रामू जी कहना है पूजा समिति के लोग थोड़ा सा मिलवाइए हमको, इधर है, चलो थोड़ा आइएगा इधर, इधर थोड़ा आइएगा। देखिए देखिए विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लोग विसर्जन करते जा रहे हैं और माँ का विसर्जन जो है अभी अंत में करेंगे यहाँ पर। आइए हम लोग पूजा समिति के अध्यक्ष महोदय यहाँ पर है, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। देखिए विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, एक एक करके जा रहे हैं, माँ सरस्वती का भी विसर्जन हो रहा है और लोग विसर्जन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जा रहे हैं और एकता का परिचय दे रहे हैं, हिंदुत्व का परिचय दे रहे हैं। माँ का विसर्जन हो रहा है अभी देखिए, और लोग शांतिपूर्ण तरीके से खुशी और उमंग के साथ में, खुशी उमंग के साथ में यहाँ पर माँ का विदाई कर रहे हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल है, माहौल एक बना हुआ है लोगों में और हिंदुत्व एकता का परिचय देते हुए यहाँ पर लोग कर रहे हैं। पंडित जी के द्वारा लगातार पूजा किया जा रहा है। पूजा समिति के अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा आइएगा, कैसा रहा इस वर्ष दुर्गा पूजा आप लोगों का? लगातार 9 दिनों तक आप लोग बने रहे, पूजा सफल और अंतिम पड़ाव पर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि पत्रकार महोदय की हर साल माँ आती, साल भी आई और सबको सुख समृद्धि दे, पूरा आम जन को, पूरा जनता, पूरा ग्रामीण को, पूरा देश को सुखी पूर्वक रहे, सबको रहे, आरोग्य रहे, यही मैं माता से मांग कर जा रही है। दुख तो है लेकिन जाना तो है ही, यही मेरा कहना है। चलिए तो पूरे गांव ग्रामीणों के लिए शुभ मंगल कामना कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया। कैसा रहा पंडित जी इस वर्ष? इस वर्ष दुर्गा पूजा ठीक ठाक से जो बेंगाबाद में जो है पूजन हुई है, सब सभी सम्मत से किए हुए है और सद्भावना से व्यक्त करते हुए यहाँ पर मूर्ति प्रवाहित हो रही है। प्रवीण जी आ जाएंगे थोड़ा सा इधर आ जाइए। आइए आइए, अब हो गए लास्ट, आप शुरू करो। आइए विदाई हो रहा है, इधर माँ के पास आइए ना आप, आइए बड़की माँ के पास आइए, आइए देखिए। तो लोग विसर्जन कर रहे हैं और विसर्जन जब होता है तो माँ का अर्घ जैसे जो होता है वो जल छीट करके देते हैं लोग और सद्भावना शांति पूर्वक करके देते हैं। आइए प्रवीण जी, आइए आइए प्रवीण जी, आइए महाराज, आइए प्रश्न आइए, देर नहीं कीजिए। तो देख पा रहे थे दुर्गा मंडा आहार है बेंगाबाद का, जो सार्वजनिक दुर्गा मंडा आहार के नाम से जाना जाता है।
आइए हम लोग एक और यहाँ पर श्रद्धालु इनसे बात कर लेंगे। इस वर्ष कैसा रहा दुर्गा पूजा श्री कुमार भैया? बहुत खूबसूरत और बहुत रस भी, भीड़ भी बहुत रही, मौसम बहुत साथ दिया और आने वाले होगा लेकिन बारिश नहीं हुई। हाँ नहीं नहीं बारिश एकदम नहीं हुई और बहुत अच्छे से सबका मनोबल भी अच्छा रहा जिसके कारण टूटा नहीं और बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा का समापन हुआ। हम लोग आज विसर्जन कर रहे हैं और विसर्जन करने में देखिए जो बहुत उत्साह है देख ही रहे हैं आप। कुल मिलाकर के पूजा सफल? हाँ हाँ पंडित जी कुछ कहेंगे? 9 दिन आज सम्पन्न क्या कहेंगे? ये प्रतिमा यहाँ शुरुआत जो है सौ कार्तिक नारायण बक्सी 1961 से शुरू किए, वो कुछ दिन चलाए, यहाँ ट्रांसफर होने बाद कमेटी को सौंप दिए, कमेटी जागरूक नहीं थी, अब जागरूक होने के बाद माँ का दरबार यहाँ जो सो सच्चा दरबार बन गया है, जो मांगोगे वही मिलेगा, जो गलत करता है वो तो भगवती संहार कर देती है, जो अच्छा करता है उसको प्रगति कर देती है। क्या बात है, क्या बात है, जो गलत करते हैं उनका संहार हो जाता है। चलिए थोड़ा पीछे चलिए, तो देख पा रहे थे बेंगाबाद सार्वजनिक दुर्गा मंडप मंडाहर का यहाँ पर विसर्जन अब किया जा रहा है, अंतिम विसर्जन किया जा रहा है। मजाक मत बनाइए और मजाक मत कीजिए, माँ का विदाई हो रहा है। तो आप देख पा रहे थे दुर्गा मंडाहार बेंगाबाद का, जहाँ पर माँ की अंतिम विदाई दी जा रही है। आगे भी आप इसी तरह बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम, भारत माता की जय, दुर्गा माता की जय। प्रेम से बोले दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव।
जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अब सब्सक्राइब। 11 वर्षों से डीएनडी पर आपका विश्वास जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई डीएनडी हर स्थिति की तरह तोड़ रहा है। सबकी आवाज को बुलंद और झूठ का नाम बोलेगा। बेशक आप बने रहें डीएनडी के साथ।